हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम कोटि ब्रह्मांड सुंदरीर द्वितीय भाग आलोचना करिबा। प्रथम छंदर कौन रही ना मंगलाचरण। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज प्रथम छंदर वंदना गान करिछंती। आउ कौन रही ना श्री क्षेत्र और श्री जगन्नाथंकर महात्म्य। एथि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी रे कीर्तन करा जाय छबा कीर्तित तो होई छे। जे माने आम चैनल को नुआ आछंती प्रथमे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, जहा फल रे कि आमर प्रतिटी वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन को पाखरे यथा शीघ्र पहुंची पारिबो। जे माने आम पूर्व वीडियो टी देखि नांती से वीडियो टी देखि दियंतु, जहा फल रे कि आपन को बुझिबा पई सहज हेबो द्वितीय भाग रे आमे कोन आलोचना करबा। ना से दुर्ग परीक्षा तीर्थ राज गर्जन रे कहे अवगाहे पाप विफ दह नरे हे। से किए ना से होची दुर्ग परीक्षा। दुर्ग परीक्षा कहिले गड़ खाई। तीर्थ राज समुद्र ना पुरीर जो गड़ खाई रूप रे कौन रही ना समुद्र रही तीर्थ राज रही सबु तीर्थ मानकर राजा समुद्र। तार जो गर्जन से गर्जन रे कौन हेबो ना कहे अवगाहे पाप विफ दहन रे। पाप विफ कहिले सबु पाप को अवगाहे स्नान कले। जो समुद्र रो गर्जन से गरजिबा छल रे समुद्र कौन कहुची ना सते जेपरी हे नर माने एथिरे स्नान करी निजर सबु पाप को दहन कर। जेपरी भाव में तीर्थरे स्नान कले सबु पाप नष्ट हुए। समुद्र कौन ना सबु तीर्थ मानकर राजा हेउची समुद्र। सेथिपई निश्चय सबु पाप गुड़िक धोई जीव पोड़ी जीव। दही सबु बाड़ परे देव ए पकाई ए दर बणरु दुरु दूरी तो पकाई हे। बाड़ परे बाड़ब कहिले समुद्र रे जळुथिबा निया। सेथिपई पूर्वरु आमे कहिले पाप सबु पोड़ी देव। समुद्र रे जे जळुथिबा निया दूरी तो हेउची दूरी तो पाप। दर बणरु दुरु दूरी तो कौन हेबो ना समुद्र रे स्नान कले सबु पाप पोड़ी देव एवं ताकु बाड़ बाग्नि रे पकाई देव। किछि पाप रहिबो नै सबु पाप तापर विनाश हेबो। आउ कौन कुआ जाय छी ना से कंभु कटक राजा नाम जगन्नाथ चारि वर्णे चौ वर्ग देबाकु समर्थ हे। से होचंती कंभु कटक। कंभु हेले शंख क्षेत्र। शंख कंभुर अर्थ होचि शंख। आमे जो कहिले पुरुषोत्तम क्षेत्र बा पुरी। पुरीर अन्य नाम कौन ना शंख क्षेत्र। से शंख क्षेत्र रो राजा हेउचंती किए ना जगतर नाथ जगन्नाथ। से शंख क्षेत्र रो राजा। चारि वर्णे चौ वर्ग। चारि वर्ण कौन ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये हेउचंती चारि वर्ण। चौ वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये चौ वर्ग को चारि वर्ण देबाकु समर्थ। जगन्नाथ कौन करती ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चारि वर्ण को धर्म अर्थ काम मोक्ष देबाकु एकमात्र समर्थ। भक्ति देवा गुप्त होई अछि युक्ताक्षरे वैष्णव विहीने केबा जानिबो संसार हे। भक्ति देवा गुप्त होई युक्ताक्षरे। गुप्त कहिले लुचिकि रहिछि। कौन लुचिकि रहिछि ना युक्ताक्षरे रुचिकि रहिछि ना वैष्णव विहीने किबा जानिब संसार हे। वैष्णव मानंकर आराध्य देवता कौन ना राधा कृष्ण। वैष्णव माने राधा कृष्ण को उपासना करिथांती। से राधा कृष्ण ए युक्ताक्षरे लुचिकि रहिछंती किपर भाव रे ना जगन्नाथ। संधि कले कौन हेबो जगत युक्तनाथ। एथिरे न आगम हेबारु जगन्नाथ होइछि। जगत शब्दर अर्थ होउछि राधा। नाथ शब्दर अर्थ कृष्ण। एथिरु कौन बुझा गला जगन्नाथ कहिले राधा कृष्ण।
वैष्णव विहीने वैष्णव विहीने कहिले राधाकृष्ण को वैष्णव माने उपासना करती वैष्णव विहीने राधा को जदि विहीन करा जाए विच्छेद करा जाए ताहले कौन हेबो एही क्षेत्रर महात्म्य बा राधा भक्ति प्रदायिनी राधा को आमे जदि विच्छिन्न कर देबा शेष अक्षर रे संधि हेबार लुप्त होइछि वैष्णव विहीने केबा जानिबो संसारे वैष्णव को जदि छाड़ी देले राधाकृष्ण को छाड़ी देले ए संसार रे केही जानिबे नाही एही तथ्य केओ माने जानिछंती एही तथ्यटी वैष्णव माने जानंती राधा को कौन कह जाइछि ना राधा को भक्ति दायिनी बोली कहंती आउ कौन लेखिचंती कवि सम्राट ना पादे बंदे सार्वभौम बोली बाकी जस वृक्षासनंकर शिर लागिबाकु आसहे पादे बंदे सर्वभौम सर्वभौम कहिले सम्राट वृक्षासनंकर शिर लागिबाकु आसहे वृक्षासन हेले महादेव जगन्नाथंक महात्म्य बा श्रीक्षेत्रर महात्म्य रे जगन् महादेवंकर कथा कौन कह जाय छी ना महादेव जहांको पादरे मुंडिया मारिबाकु आशा करियो छंती कहां को पादरे ना जगन्नाथंक पादरे तांकु वंदना करिबी बोली मो पक्षरे बोलिबी कि जस वृक्षासनंकर शिर लागिबाकु आसहे तो मो पक्षरे कहिले कवि सम्राटंक पक्षरे एहा किछि बड़ कथा नुहे महादेव जहां पादर मुंडी मारे आसती श्री जगन्नाथ पादर ताठार वर्णना करा जहा कटाक्ष कुठार पतन मतरे अनेक दुख अनकह को छेदी पारे हे जहा कटाक्ष कुठार मान जगन्नाथ दया दृष्टि जदि र दया दृष्टि रूपक कुठार दया कुठार कहिले दृष्टि कटाक्ष कुठार जदि रही पड़ा मात्रे जहाँ सब पतन मात्रे अनेक दुख अनकह को जिते सब दुख रूपक अनकह कहिले वृक्ष दुख रूपक वृक्ष रही से कौन छेदी पारे छिंडी जीव बा छिंडी जाय पारे जदि जगन्नाथंकर दया दृष्टि रहिला ताहेले जेते सब दुख रहिचे से सब कोन हेबो छिंडी जीव अपसरी जीव सेही पाद पद्मासनी पाट महादेवी अष्ट ऐश्वर्य दायिनी अष्ट शक्ति सेवी हे सेही पाद पद्मासनी तांकर पाद पद्मासनी पाट महादेवी माने रहिछंती अष्ट ऐश्वर्य दायिनी अष्ट ऐश्वर्य कहिले पतंजलि योगशास्त्र मतरे अष्ट सिद्धि होची कौन ना अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य इच्छुत्व वसित्व प्राकाम्य और काम बसायता ये होचंती अष्ट सिद्धि अष्ट ऐश्वर्य जगन्नाथंक पादरे ये जो अष्ट ऐश्वर्य कहिले ये अष्ट ऐश्वर्य दायिनी विमला पाट महादेवी विमला प्रभृति अष्ट महादेवी माने कौन करती ना नित्य पूजा करती मैं नित्य पूजा करूँगी भरोसा करी आसंती दुरु देशु प्राणी आरत भंजन दीनबंधु नाम सुनी हे जगन्नाथ होती कौन आर्तनाशन दुखर नाशन दीनबंधुंकर बंधु दीनजनकर बंधु होती जगतर नाथ जगन्नाथ सेही भरोसा रे दूर देशु प्राणी माने दूर देशरु लोक माने निर्भर आशा करिकी तांकर दर्शनाभिमुखे यात्रा करिथांती पुरुषोत्तम क्षेत्र को पुरी को आउ कोन कह जाय छी ना कर जोड़ी छामुरे जणाई पक्षी धब आर्तजन गुहारी की सावधान हेबो हे विष्णुंकर वाहन होची करुड़ पक्षी धब पक्षी मानंकर जे राजा बा पक्षी मानंकर स्वामी गरुड़ से कौन कहुची गरुड़ ना हे प्रभु आपण आर्तजनकर कौन करंतु ना गुहारी को सुनंतु जो श्रीक्षेत्र गरुड़ रही हाथ जोड़िकी श्री छामुरे से जनाऊँ जो जिते सब आर्तजन माने अच्छा से मानको गुहारी को सुनंतु ठाकुर को आगरे स्तंभ उपरे गरुड़ जोड़हस्त मूर्ति जो रही श्रीमंदिर
ତାହାକୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ସୁବେଶେ ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ହେ। କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କନ୍ଦର୍ପ କିଏ ନା କାମଦେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହେଉଛି କାମଦେବ ବା କନ୍ଦର୍ପ। ଯଦି କନ୍ଦର୍ପ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହୁଏ ତାହେଲେ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ, କୋଟି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ କିପରି ନା କୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର। ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଶିରେ ହେମ ରତନ ମୁକୁଟ ସପ୍ତ ଶାଖା କରୁଣା ସିନ୍ଧୁରେ କି ବଡ଼ବା ନଳ ଶାଖା ହେ। ଶିରେ ହେମ ରତନ ମୁକୁଟ ସପ୍ତ ଶାଖା, ଶିରରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ହେମ ରତନ ମୁକୁଟ ସପ୍ତ ଶାଖା ରହିଛି। ସପ୍ତ ଶାଖା କ'ଣ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି କରୁଣା ସିନ୍ଧୁରେ କି ବଢ଼ିବା ନଳ ଶିଖା ହେ। ବଢ଼ିବା ନଳ ଶିଖା କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ଶିଖା। ଏହି ଅଗ୍ନିର କ'ଣ ରହିଛି ନା ସାତ ଗୋଟି ଶିଖା ରହିଛି। ସିନ୍ଧୁରେ ବାଡ଼ବାଗ୍ନି ଶିଖା ପରି ଦୟାସାଗର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶିରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସପ୍ତ ଶାଖାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିର ସାତଟି ଶିଖା ରହିଛି ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶିରରେ ସପ୍ତ ଶାଖାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଛି। କବି ଏଠାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କରୁଣା ସିନ୍ଧୁରେ କି ବଢ଼ିବା ନଳ ଶିଖା ହେ। ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବା ସିନ୍ଧୁକୁ ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା କିମ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୋହିବ ଏମନ୍ତ ବିଚାର ପୁଣି ମଞ୍ଜୁଳ କଣ୍ଡଳ ମକର ଆକାର ହେ। ସମୁଦ୍ରରେ ମଗର ପ୍ରଭୃତି ରହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ମକରାକାର କୁଣ୍ଡଳ ରହିଛି ଏଣୁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସେଥିପାଇଁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯେ ମଞ୍ଜୁଳ କୁଣ୍ଡର ମକର, ମଗର ହେଉଛି ମକର, ମକର କେଉଁଠାରେ ରହେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମକରାକାର ଆକୃତିର କୁଣ୍ଡଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି, ତୁଳନା ରହିଛି। ପ୍ରବାଳ ତରଣୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗା ଧରି ଅଛି ବିଶେଷ ଜହି ଲାବଣ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ଭବିଛି ହେ। ପ୍ରବାଳ ତରଣୀ କ'ଣ ନା ପୋହଳା ନୌକା। ପୋହଳା ନୌକା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ପୋହଳା ନୌକାଟି କିପରି ନା ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ନୌକା ଥାଏ ପୋହଳା ଆକୃତିର, ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଲି ବର୍ଣ୍ଣର ଅଧର ଠିକ୍ ରହିଛି, ଅଧର ଯାହା କାହା ପରି ନା ପୋହଳା ନୌକା ପରି। ତା ସହିତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ବିଶେଷ ଜହି ଲାବଣ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ଭବିଛି ହେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଶୋଭା ରୂପିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୋହଳା ନୌକା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଦଶ ଅବତାର ଲୀଳା ଯାତ୍ରା ବିରୋଚନ ଜନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଯୁଗାନ୍ତର କଥାମାନ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ କେତେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦଶ ଅବତାର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦଶ ଅବତାର ଲୀଳା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯଥା ସମୟରେ ଯାତ୍ରାମାନ କରାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଦଶ ଅବତାର କ'ଣ କ'ଣ ନା ମୀନ କଚ୍ଛପ ବରାହ ନୃସିଂହ ବାମନ ପର୍ଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ବୁଦ୍ଧ ଓ କଳ୍କି। ଏ ଯେଉଁ ଦଶ ଅବତାର ରହିଛି, ଦଶ ଅବତାରରୁ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବତାରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଯୁଗ ଯାଏଁ ଘଟିଥିବା କଥାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାମାନେ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି। ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏ ବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ଯାର ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାସାଦ ବାହାର ହେ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏ ଦୁଇଟି
यात्रा समय रे कौन करती श्री जगन्नाथ निजस्व लीला प्रकट करती पतित पावन निमन्ते पतित मानंकु उद्धार करिबा निमन्ते बा पापी मानंकु उद्धार करिबा कारण रु एही दुईटी जातरे श्री जगन्नाथ मंदिर रु बाहरी के आसी थांती। ज्येष्ठ पूर्णमासी पूर्वनीसी अवशेषे सेवल उत्सुके मिली महाप्रभु पासे हे। ज्येष्ठ पूर्णिमा पूर्णमी तिथिर पूर्व दिन राति पहांतरु पंडा पढ़ियारी माने जे अछंती आउ अन्य सबु सेवक माने कौन करंती आनंद मनरे महाप्रभु को निकटरे आसी पहुंची थांती। से कालकु अनुसरी यात्री नर नारी जे जहार नित्य कर्म त्वरा होई सारी हे। हरी हरी द्वारे मिली हरिध्वनि कले हरित पूरित त्वरितरे तही हेले हे। से जो ज्येष्ठ पूर्णमासी पूर्व दिनर राति पहांतरु पंडा पढ़ियारी माने आसिकी कौन करती से समय अनुसार जिते सबू यात्री माने अछंती निज निजर नित्य कर्म शीघ्र शेष करी बड़ देउलर सिंह द्वार रे आसिकी समस्ते पहुंचंती हरिध्वनि करंती। से ध्वनि सांगरे कौन आउ भासी आसे ना चारि दिग को व्यापी जाए हरिध्वनि। हरि कहिले जगन्नाथ प्रभु किंतु जो कहा जाए हरिद्वारे हरिद्वारे कहिले ठारे सिंह द्वार को बुझाऊचे। हरिद्वारे मिली हरिध्वनि कले हरित हरित कहिले दिग पूरित पूर्ण त्वरितरे तही कले हैं समस्ते जो जगन्नाथ हरिध्वनि कले से हरिध्वनि चतुर्दिग को व्यापी जाऊचे। पड़िला तुली पहाड़ विजय निमित्ते बाजिला मेघा मृदंग मर्दल सहित हे। ता सहित कौन बाजुची ना तुली तुली कहले पाट मुचुला पहाड़ा विजय निमित्ते पहाड़ा हला बिछना बाजिला कौन मेघा बाजिला मेघा होची एक प्रकार वाद्यजंत्र जगन्नाथ विजय पाई पाट मुचुला बिछा गला ता सहित मेघा मृदंग मर्दल जिते सब वाद्य रही से वाद्य मान विराज मान बजा गला ता सहित जनमान लोक मान हरिध्वनि शब्द मध्य से छुट्टी आसे। कंसाल ताल कर्णाल पटह झरझरा मो परे विजे करिबे भाभी तोष धरा हे। कंसाल कहिले झांझ ताल कर्णाल कर्णाल हेउची भेरी पटह झरझरा झरझरा कहिले खंजणी ये जो वाद्य कथा कुआ जाइछे पूर्वर वाद्य मानंकर झांज खंजणी भेरी प्रभृति बाजिला मो परे विजय करिबे भाभी तोष धरा है के भावुछंती मो परे विजय करिबे धरणी मो उपरे विजय करिबे कहा उपरे ना धरणी उपरे विजय करिबे जगन्नाथ बोली कि धरणी अति संतोष प्रदान करूछे संतोष हैला। नोहिबे सर्वज्ञ किंपा ब्रह्म परिवार जानिले निश्चय प्रभु दक्षिण कुंज रहे। ब्रह्म परिवार महाप्रभुंकर सेवक को कहा जाइछि ब्रह्म परिवार जानिबे निश्चय प्रभु दक्षिण कुंजर दक्षिण कुंजर कहिले दक्षिण दिग बा हस्तिर बामन ओ कला पूर्वज कहिले पूर्वरे जे जन्म पूर्वजरे पूर्वगज भाव उपजाई पहंडी विजय कले झुलाई झुलाई जे पूर्वज पूर्वजरे जन्म होइछंती बड़ भाई बलराम ना कौन कह भगवान को जो चाकर माने अछंती ब्रह्म परिवार से माने काहें कि सर्वज्ञ न हेबे कह जाइए सर्वज्ञ किंपा सर्वज्ञ कौन पाई कि नहबे से माने जानिले जे प्रभु दक्षिण दिगर होती हस्ती द कुंजर कहिले हस्ती एवं तांको बड़ भाई कौन बलराम पूर्वराज पूर्वगज पूर्व दिगर हस्ती से दुई भाई को जिते बड़े पहंडी विजय करती किपर करना झुलाई झुलाई कि पूर्व दिग हस्ती आ दक्षिण दिगर हस्ती श्री जगन्नाथ और बलराम को झुलाई झुलाई कि से माने पहंडी विजय करी थांती क्यों माने ना ब्रह्म परिवार माने एमंत नोहिले कि प्रासाद दरी तेजी मंडप सर अवगाहे चित्ती मजी हे। एमंत
नोहिले कि प्रासाद दरी तेजी प्रासाद दरी कहिले मंदिरर गुहा मंडप सर स्नान बेदी रूपक जो पुष्करिणी कथा कहा जाए छेठारे अबगाहिर अर्थ मुंड बुड़ाइबा गाधोइबा कौन कहा जाए छे ना हस्ती पर्वत गुहार थाए एवं पोखरी को आसी पानी रे बुड़ा होई गाधोई थाए जगन्नाथ को पूर्वर आमे कहिले हाथी हस्ती जगन्नाथ हाथी होइथिबारु मंदिर गुहारु बाहरी स्नान बेदी रूपक जो पोखरी रे स्नान करिबा को काहें की अबा मन बळांते स्नान बेदी रे बसाई सेवक माने कोन करंती ना ठाकुर मानंकु माठिया माठिया पानी आनिकी कहा जाए मंडप सर अबगाहे चित्त मंजित हे माठिया माठिया पानी आनिकी स्नान बेदी रे श्री जगन्नाथ को आ बलभद्र को कौन करते ढाली स्नान कराई था परवर्ती आउ जहाँ रहिला काली आमे पुणी आलोचना करिबा ये सब काली आमे प्रथम जहाँ रही छांदटी काली आमे संपूर्ण करिबा जदि भिडियोटी भल लगी थाए ताहले लाइक करंतु फ्रेंड माने जो माने ओएभीएस एग्जाम पे प्रिपरेशन करुछंती से मानन को सह शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।